हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अंजना क्लासेस। दोस्तों, आज एक हम लोग टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि क्या भारत को नाटो प्लस में शामिल हो जाना चाहिए। भारत को नाटो प्लस में शामिल होना सही है या गलत कदम क्या होगा, इसके बारे में एक एक करके हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले बात करें दोस्तों, ये जो चर्चा हो रहा है टॉपिक का वो नाटो का, तो उसके पहले हम लोग ये थोड़ा सा संक्षिप्त में जानकारी ले लें कि ये नाटो क्या है। दरअसल दोस्तों, कई बार मैंने इस बात का जिक्र किया है कि जब दूसरा विश्व युद्ध की समाप्ति हुआ था तो पूरा विश्व दो ध्रुवों में बट गया था, एक जिसे हम लोग पूंजीवादी कहते हैं और दूसरा साम्यवादी। वहीं एक तरफ पूंजीवादी का जो नेतृत्व कर रहा था अमेरिका कर रहा था, और दूसरा जो साम्यवादी था उसका नेतृत्व रशिया कर रहा था। और यही से दोनों जो विचारों के लिए दोनों के बीच क्या हुआ, शीत युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। शीत युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई जहाँ अमेरिका के नेतृत्व वाली जो पूंजीवादी विचारधारा के जो देश थे उन्होंने एक गुट का निर्माण किया जिसे ही हम लोग नाटो कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यह एक प्रकार का जो सैन्य संगठन था। वही अगर दूसरे गठबंधन की बात करें जो कि रशिया के समर्थक में था, जिसे वारसा पैक्ट के नाम से जानते हैं, लेकिन वारसा पैक्ट क्या हुआ कि जब रशिया उस समय जिसे सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, सोवियत संघ का जो विघटन आप सभी को मालूम है 1991 ईस्वी में हो गया, जिसके कारण जो उसके द्वारा उसने जो वारसा पैक्ट था वो समाप्त हो गया। अभी जो वर्तमान में अस्तित्व में है वो नाटो, विशेष करके अब नाटो को का जो मेन मकसद है वो रशिया को काउंटर करने के लिए बनाया गया ये एक सैन्य गठबंधन था। अगर नाटो के बारे में अगर संक्षिप्त जानकारी ले दोस्तों, तो नाटो एक प्रकार का जो सैन्य संगठन है जिसका स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। अगर मुख्यालय की बात करेंगे ब्रुसेल्स में है। वर्तमान में अभी इसमें 31 सदस्य हैं। सबसे अंतिम सदस्य की बात करेंगे 2023 में फिनलैंड बना है। दोस्तों, ये वही नाटो है जिसमें जुड़ने के लिए जब यूक्रेन ने अपनी इच्छा जाहिर की थी तो उसका परिणाम आप सबको मालूम है कि कितना बड़ा युद्ध रशिया और यूक्रेन के बीच में हो गया, क्योंकि रशिया कभी नहीं चाहेगा कि उसका जो नजदीकी देश है वो नाटो के में प्रवेश करे, जिसके कारण जो है उसका दुश्मन देशों का जो है संबंध यानी कि उसका पहुंच हमारे क्षेत्र तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, यहां तक हम लोगों ने जाना कि ये नाटो का क्या सिलसिला है। अब बात आता है जिसका जिक्र हम लोग को करना है कि अभी जो है भारत को नाटो प्लस में शामिल होना चाहिए कि नहीं, तो इसका शुरुआत कहाँ से होता है, ये चर्चा कहाँ से आया। तो दरअसल बात यह है दोस्तों कि एशिया में अभी इन दिनों क्या चल रहा है कि एक नया पावर गेम खेला जा रहा है। पावर गेम कुछ इस प्रकार से है कि अब नाटो जो अभी सैन्य गठबंधन जिस अभी जो वर्तमान तक वो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से था, उसका अब ध्यान जो है वो एशिया तक पहुँच गया है। और खास करके आप सभी को मालूम है कि नाटो का जो नेतृत्व वो अभी अमेरिका कर रहा है, तो अमेरिका का नेतृत्व कर रहा है तो अमेरिका का जितना दुश्मन होगा वो तो नाटो के हेल्प से ही लेगा। अब नाटो के द्वारा जो है वो चाइना, अभी वर्तमान में उसका दुश्मन जो उसका प्रतिद्वंदी कौन है, चाइना। तो चाइना पे अंकुश लगाने के लिए वो एशिया में नाटो का पहुंच बढ़ाना चाह रहा है, और इसके लिए केंद्र में जो किसका इस्तेमाल करना चाहता है तो इंडिया का इस्तेमाल करना चाहता है। अब इंडिया का इस्तेमाल करना चाहता है तो बात आखिर ये कहां से शुरुआत हुई इंडिया को। अब सवाल बार बार ये न्यूज में जो आ रहा है मीडिया के अनुसार कि भारत क्या नाटो में शामिल होगा, तो इसकी शुरुआत दोस्तों होती है, इसकी शुरुआत 2019 ईस्वी से होती है। 2019 में क्या हुआ था कि भारत का नाटो के साथ पहला बैठक हुआ था। उस बैठक में, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि जो नाटो जो है एक प्रकार का सैन्य गठबंधन, तो इसमें तो चर्चा होना चाहिए था, सैन्य गठबंधन का होना चाहिए था, तो सैन्य गठबंधन को छोड़ के राजनीतिक विषय पर ज़्यादा चर्चा हुआ था। दूसरा, फिर अगर इसी वर्ष की बात करें 2023 के मार्च महीनों में, तो मार्च महीनों में एक अमेरिका के एक नाटो प्रतिनिधि के द्वारा एक मतलब बयान दिया गया। बयान कुछ इस प्रकार से था कि भारत के लिए दरवाज़ा खुला है कि वो नाटो में क्या करे, प्रवेश कर सके। फिर इसके बाद एक और बयान आया यूएस हाउस पैनल के द्वारा, उसमें के द्वारा बताया गया कि भारत को क्या करना चाहिए, क्योंकि मालूम है कि आप सभी को कि भारत का उसका जो निकटतम जो दुश्मन कौन है, चीन। तो चीन की आक्रामकता को, उसकी आक्रामक रवैये को काउंटर करने के लिए उसको अमेरिका के साथ भारत की सहभागिता बढ़ाना चाहिए। फिर इसके बाद ये न्यूज़ थोड़ा सा उछाल के आया, क्योंकि हाल ही के समय में अमेरिका के रक्षा मंत्री और हमारे भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा एक दोनों के बीच
गठबंधन हुआ और उसके द्वारा जो है भारत जो है अमेरिका से 30 ड्रोन लेने का, 30 ड्रोन का जो है व्यापार के लिए शामिल किया गया, यानी इसके तहत जो है 3 अरब डॉलर का क्या किया गया था, सौदा किया गया था। फिर अभी आप सभी को मालूम है कि अभी हाल ही के में अगले महीने हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिके दौरे पर जाने वाले हैं, यानी इतना सब चीज़ होने के बाद कुछ अमेरिकी प्रतिनिधियों का बयान अमेरिकी संसद के द्वारा, उसके बाद भारत का अमेरिका के साथ किया गया रक्षा समझौता, और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी का अमेरिका दौरा, इतना सब होने के बाद जो न्यूज में आ रहा था कि क्या अब ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारत क्या नाटो प्लस में शामिल होगा। देखिए दोस्तों, नाटो अलग है और नाटो प्लस अलग है, अभी मैं उसका जिक्र करूंगा। अभी नाटो के बारे में जिक्र किया था कि नाटो में मात्र 31 सदस्य हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर ये नाटो प्लस क्या है, तो नाटो प्लस से का तात्पर्य है कि 31 सदस्य के अलावा नाटो के 5 और सदस्य हैं जो कुछ इस प्रकार से हैं। इधर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इधर बात करें तो जापान, दक्षिण कोरिया और एक इजराइल, इस प्रकार से ये 5ों देश मिलकर नाटो प्लस का निर्माण करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इस नाटो में इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक, यानी कि सभी देश लगभग एटलांटिक के तट पे थे, लेकिन ये जो 5ों देश हैं इसमें से कोई भी एक ऐसा भी देश नहीं है जो अटलांटिक में सीमा साझा करते हैं। और दूसरी बात है कि नाटो में नाटो का एक आर्टिकल 5, नाटो का अनुच्छेद 5 अपने में एक इतना उपयोगी है कि आर्टिकल 5 जो है वो कहता है नाटो के लिए ये सामूहिक सुरक्षा। इसको दूसरे अर्थों में समझो कि देखो, नाटो के जितने भी सदस्य देश हैं, मान के चलो कोई एक सदस्य देश, अगर हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका पर कोई देश हमला करता है तो नाटो के किसी एक भी सदस्य देशों पर हमला पूरे नाटो सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा, जिसे ही हम लोग सामूहिक सुरक्षा के नाम से जानते हैं। ये नाटो वाले देश को मिला हुआ है, लेकिन जो नाटो प्लस है उसको ये सुविधा नहीं मिला हुआ है। हाँ, हालांकि जो है ये नाटो प्लस जो देश हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उसे अगर खुफिया सूचना, चाहे अधिक हथियार, चाहे सैन्य सहयोग इत्यादि सबका तो सुविधा मिला हुआ है, लेकिन जो आर्टिकल 5 सामूहिक सुरक्षा होता है वो नहीं मिला हुआ है। अगर बात करें दोस्तों कि क्या भारत को नाटो में शामिल होना चाहिए, तो दोस्तों इसके दोनों पहलू हैं, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर मालूम करें तो पश्चिमी देश, अभी नाटो में अधिकांश कौन सा देश है, पश्चिमी देश। पश्चिमी देश जो क्या है उसका ये सोच है कि भारत जो है एक उभरती ताकत वाला देश है, यानी कि भारत के बारे में सही बात है, वो लोग ये चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि एक उभरता हुआ ताकत के रूप में देखा जा रहा है भारत को। अब भारत का वो इस्तेमाल करेगा अपने फायदे में, तो इसके तहत जो है इस्तेमाल भारत को करेगा अपने फायदे में, तो भारत को नाटो में प्रवेश करने के लिए, यानी नाटो प्लस में वो 5 सदस्य के बाद एक अलग सदस्य के रूप में जाने के लिए क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो पहले नुकसान की बात करें कि देखो दोस्तों, पश्चिमी ताकत जो है, यानी कि कहने का अर्थ है कि नाटो जो देश है, खास करके हम अमेरिका की चर्चा कर रहे हैं, जब भी नाटो की बात करें, अमेरिका जो है खास करके चीन पे अंकुश लगाना, उसका मेन मकसद क्या है, चीन पे अंकुश लगाना, और चीन पे अंकुश लगाने के लिए वो क्या करेगा, भारत को इस्तेमाल करेगा। और नाटो का इतिहास रहा है कि किसी भी देश का वो इस्तेमाल करता है अपने फायदे के लिए, जब अपना फायदा निकल जाता है तो उसको दरकिनार कर दिया जाता है। इस लहजे से देखा जाए तो भारत को नाटो प्लस में शामिल होना भारत का नुकसान हो सकता है। वही दूसरा अगर हम पहलू की बात करें, तो भारत की हमेशा जो विदेश नीति रहा है वो स्वतंत्र रहा है, यानी किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहा है, खुद उसका खुद का अपना विदेश नीति है और सभी से अच्छा संबंध है। अगर हम बात करें दोस्तों कि अगर संबंध की बात करें, तो देखो अमेरिका एक तरफ अमेरिका हो गया, और एक तरफ सारे यूरोपियन कंट्री हो गया, और एक तरफ रशिया हो गया, तो तीनों के साथ भारत का अच्छा संबंध है। जैसे एक एक करके हम बात करें, अगर अमेरिका के साथ संबंध की बात करें, तो भारत अमेरिका के साथ एक संगठन बना रखा है क्वाड, तो क्वाड के जरिए भारत का अमेरिका के साथ अच्छा संबंध हो जाता है। वही दूसरा संगठन अगर हम चाइना की बात करें, तो चाइना एक संगठन है एससीओ, शंघाई कॉरपोरेशन, तो शंघाई सहयोग संगठन में चाइना भी है, इस तरह चाइना से भी ये इस मंच के द्वारा एक संबंध अच्छा है। और तीसरा संगठन है G7, G7 में अधिकांश विकसित देश है और यूरोपियन कंट्री इसमें शामिल आते हैं, तो यूरोपियन देशों के साथ भी देखिए यहां भी मोदी जी की उपस्थिति है। इस लहजे से देखा जाए तो यूरोपियन कंट्री से भी भारत का अच्छा संबंध है। उसके बाद अगर एक संबंध बच गया रशिया से, तो भारत एक संगठन ब्रिक्स के माध्यम से
रशिया के साथ अच्छा संबंध है। तो इस तरह से देखा जाए तो भारत की जो विदेश नीति है वो स्वतंत्र रही है, सारे देशों के साथ भारत का संबंध अच्छा है। अगर किसी एक में, अगर नाटो में शामिल हो जाता है तो एक के साथ, किसी दूसरे के साथ भारत का संबंध क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। और खास करके क्योंकि नाटो का मकसद है रूस को काउंटर करना, और रूस हमारा सबसे पुराना मित्र और विश्वासी मित्र रहा है। जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था 1971 ईस्वी में, तो उस 1971 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जो है पाकिस्तान की रक्षा के लिए सातवां बेड़ा भेजा था भारत को काउंटर करने के लिए। तो इस तरह से भारत को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो अतीत में वो उसके अमेरिका के साथ क्या संबंध। उसके बाद भारत को ये भी नहीं भूलना चाहिए, जब 1998 परमाणु परीक्षण हुआ था तो उसके बाद अमेरिका के द्वारा तमाम प्रतिबंध लगा दिए गए थे। तो इस तरह से अमेरिका के अतीत को जो, उसकी जो रवैया है, उस चीज़ को भारत को भूलना नहीं चाहिए। अगर हम बात करें कि सर तो पांचों जो देश है नाटो प्लस में, उसके मक उसको इसमें शामिल होने का क्या मकसद है, तो देखो हम ऑस्ट्रेलिया अन्य देशों से अपना तुलना, अपना रणनीति तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड प्रथम विश्व युद्ध से अमेरिका के साथ दिया था, इस लहजे से इनका साथ जा सकते हैं। जापान और साउथ कोरिया की बात करें तो इसका अमेरिका के साथ बहुत अच्छा संबंध है, परमाणु प्रसार का, इस हिसाब से इसका साथ ही है। इजराइल के बारे में बात करें तो इजराइल जो है ये राजनीतिक रूप से अमेरिका का बहुत ही निकटतम है, इस हिसाब से ये पांचों देश का तो अपना अपना नियम है, रवैया है, लेकिन भारत को इसके तहत, इसके द्वारा जो है अपनी नीति में कोई बदलाव नहीं करना चाहिए। और वही अगर हम बात करें भारत की रणनीति की, तो देखिए भारत की रणनीति है बहुध्रुवीय, यानी बहुध्रुवीय राष्ट्र भारत की नीति रहती है। बहुध्रुवीय का अर्थ होता है कि बिना कोई कोई भी गठबंधन नहीं, यानी सब स्वतंत्र रहे। लेकिन नाटो हमेशा अभी तक पुराने रवैया पे आ रहा है। नाटो जो है कहता है या तो आप मेरे साथ रहो, नहीं तो किसी दूसरे के साथ रहो, यानी कि यह हमेशा गठजोड़ की बात करता है। वही भारत का जो उसका मकसद होता है बहुध्रुवीय का। तो दोस्तों इस हिसाब से आप लोग देखें नाटो प्लस में भारत को क्यों नहीं शामिल होना चाहिए, इस परिप्रेक्ष्य में आप लोग ने इस तरीके से अच्छे तरीके से समझे होंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। लाइक सब्सक्राइब तथा दोस्तों में शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।